नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश में नौतपा जैसी गर्मी पड़ रही है। जून में पहली बार खजुराहो, नौगांव और दमोह में टेम्परेचर 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। प्रदेश के 95% शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। आमतौर पर इस समय प्री मानसून की एक्टिविटी होती है, बारिश और आंधी का दौर रहता है। मंगलवार को सागर के ग्रामीण इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले दो दिन यानी 13 आज और 14 जून को भी प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से में तेज गर्मी पड़ सकती है। कुछ शहरों में बूंदाबांदी का अनुमान भी है। अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय की वजह से मध्य प्रदेश का मौसम भी बदल गया है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक एचएस पांडे ने बताया कि चक्रवात ने नमी समेट ली है। इस कारण ज़्यादातर शहरों में आसमान साफ है, जिससे सूरज की किरणें सीधे धरती पर पड़ रही हैं। गर्मी का असर बढ़ा है। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया कि मंगलवार शाम भोपाल में बादल छा सकते हैं। अगले 24 घंटे में भोपाल, रीवा, नर्मदापुरम संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, सागर, सिवनी और गुना में भी बादल छा सकते हैं। उधर पिछले 24 घंटे में उमरिया में 1.2, सतना में 1.2, नरसिंहपुर में 1 मिलीमीटर पानी गिरा है। सागर में भी बारिश हुई है। जून में पहली बार सूरज के तेवर तीखे हैं, पारा भी चढ़ा हुआ है। सोमवार को भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच गया है। नौगांव, खजुराहो और दमोह में तापमान 44 डिग्री के पार चल रहा है, जबकि मलाजखंड, टीकमगढ़, मंडला, सतना में 43 है। उमरिया, नर्मदापुरम, गुना, शिवपुरी, रतलाम, सागर और सीधी में पारा 42 डिग्री से ज़्यादा रहा है। पचमढ़ी, इंदौर, उज्जैन को छोड़ दें तो ज़्यादातर शहरों में पारा 40 डिग्री से ज़्यादा ही रहा है। जून की रातें भी तप रही हैं। प्रदेश के 25 जिलों में पारा 25 डिग्री या इससे ज़्यादा है। दमोह, दतिया, सीधी, टीकमगढ़ में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। नौगांव में 30.6, ग्वालियर में सोमवार रात का पारा 29.8 दर्ज हुआ है। भोपाल में मंगलवार को भी तेज गर्मी के आसार हैं। शाम को मौसम बदल सकता है। 13 जून और 14 जून को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 15 जून को बादल रहेंगे तो 16 जून को मौसम साफ रह सकता है।